Hello everybody, welcome to my YouTube channel. So very good morning to all of you. In today's session we will learn about Gibbs free energy or Helmholtz free energy, what are their physical significances and their variations with temperature and pressure, okay, including some numerical problems to understand the concept क्वेश्चन क्लियरली, ठीक है। सो आज के सेशन में हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पार्ट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन पढ़ेंगे, मैक्सवेल्स रिलेशंस को डिराइव करेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट सिखाएंगे, ठीक है, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज पढ़ेंगे, तो उस सब में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए इसको समझना, आज का ये सेशन को समझना आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो चलिए गेट रेडी, नोट्स बनाने के लिए आप कॉपी ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, पेन लेके तैयार हो जाइए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। चलिए, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टू न्यू थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड व्हिच आर टर्म्ड एज फ्री एनर्जी, ठीक है। देयर आर टू फ्री एनर्जी फंक्शंस, वन इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी रिटन एज कैपिटल जी एंड हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एज कैपिटल ए, ठीक है। सो वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए किस कंडीशन पे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर दो नए थर्मोडायनेमिक फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें एक को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी कैपिटल जी लिखते हैं और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी कैपिटल ए लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ में हमें समझना है कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, पीछे हमने पढ़ा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, ठीक है। सो इसके पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होते हैं, विच टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑन एकॉर्ड या विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, ठीक है। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस और इररिवर्सिबल, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडी यूनिडायरेक्शनली, कभी भी कोल्ड से हॉट की तरफ हीट नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए अन्य ये सोचा गया कि व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्सेस फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कि ड्राइविंग फोर्स क्या था। तब हम उसमें ये कहा गया था कि मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस और मिनिमम एनर्जी, मतलब डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव एंड डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव। जिस प्रोसेस के लिए अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है, एंट्रोपी बढ़ेगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, ठीक है। डेल्टा एच नेगेटिव होगा मतलब एक्सोथर्मिक है, दे ट्राई टू मिनिमाइज देयर पोटेंशियल एनर्जी, तो वो स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। बट देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस इन व्हिच डेल्टा एच इज पॉजिटिव, इवन इट इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच इज नेगेटिव, इवन इट इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एडजॉर्प्शन, एक एडजॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, तीनों नेगेटिव होते हैं, डेल्टा जी भी नेगेटिव होता है, ऑलरेडी इसमें भी हम वीडियो दे चुके हैं, डेल्टा एच भी नेगेटिव और डेल्टा एस भी नेगेटिव। तो नहीं, डेल्टा एस नेगेटिव है फिर भी ये स्पॉन्टेनियस है, गैसेज होती है मेटल के सरफेस पे एडजॉर्ब होती है, ठीक है। तो इसलिए कोई एक ऐसा थर्मोडायनेमिक फंक्शन नहीं था कि हम विद सर्टेनिटी ये कह सके कि ये स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा एस नेगेटिव है तो दैट इज स्पॉन्टेनियस होगा ही होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें एक ऐसे थर्मोडायनेमिक फंक्शन की जरूरत पड़ी जो हमें स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन कर सके, तो उसी के लिए आता है गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो हम ये कहते हैं कि यस वो स्पॉन्टेनियस होगा, चाहे आपको डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव हो, चाहे डेल्टा एच का साइन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्लियर। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो दैट इज द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। तो इसलिए हमें एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन की जरूरत पड़ी जिसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। The Gibbs free energy, also known as Gibbs function or Gibbs potential, is denoted by symbol G and was determined by the American scientist Josiah Willard Gibbs in the year 1876. ठीक है, तो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? So obviously Gibbs ने किया था, एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिनको बोलते हैं W.
gives 1876 में, in order to predict the behavior of systems when combined together or process, whether a process could occur simultaneously and spontaneously. ठीक है, so delta G और delta H और delta S के टर्म में हम spontaneity को explain नहीं कर पाए, इसलिए हमें एक ऐसे फंक्शन की जरूरत पड़ी जो necessary and sufficient condition था spontaneity के लिए, और वो था delta G या in terms of Gibbs free energy. ठीक है, इसलिए अब इसको यहाँ पे कैसे निकालते हैं, तो हमने दो लॉ पढ़ा हुआ है. सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ds इक्वल टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हम क्या लिखते हैं dq by T. ठीक है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या लिखते हैं, dq इक्वल टू dA प्लस PdB. ठीक है, दोनों को अगर हम यहाँ से मिला दें तो क्या लिख सकते हैं, बोले ds ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा dE प्लस PdB by T. क्लियर, कर चुके हैं ये सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, दोनों को कंबाइन कर दिया और वी कैन राइट dE प्लस PdB, ठीक है, माइनस TdS इज लेस देन और इक्वल टू जीरो. ठीक है, सो सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स dS greater than or equal to dq by T, first law of thermodynamics dq equal to dE plus PdB, दोनों को combine कर दीजिए तो ये मिल जाएगा हमें, dq की जगह पे dE plus PdB रख दिया और इसको transfer कर दिया. ठीक है, side change कर दिया तो dE plus PdB minus TdS equal to less than or equal to zero. ठीक है, at constant temperature और pressure, temperature और pressure को अगर हम constant कर दे तो यहाँ में क्या आ जाएगा, ये जो टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं कि E प्लस पी बी माइनस टी एस इज इक्वल टू और लेस देन जीरो. ओके, क्लियर. इसी फंक्शन को, ये जो टर्म यहां में आ रहा है ना, इसी को गिब्स ने एक नाम दे दिया, दैट इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी. G इक्वल टू E प्लस पी बी माइनस TS, और E plus PV is known as, बोलिए, E plus PV is known as enthalpy. तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया G. तो G gives free energy is defined as H minus TS. ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड, ये डिफिनेशन आया कहां से, क्लियर. ठीक है, so second law of thermodynamics dq is greater than or equal to dq by T, dq first law of thermodynamics dE plus PdB, दोनों को mix कर दिया, combine कर के रख दीजिए तो ds is greater than or equal to dE plus PdB by T आ गया, और dE plus PdB minus TdS is less than or equal to zero. ठीक है, और या constant temperature pressure पे इसको हम ये लिख सकते हैं, और इसी term को उन्होंने नाम दे दिया gibbs free energy, that is capital G. और E plus internal energy plus P into V is known as enthalpy, तो H minus ES. ठीक है, अब यहाँ में एक इसको free energy क्यों बोला, energy भी बोल सकते थे simply. The free energy का मतलब इसलिए क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि enthalpy, H को हम क्या लिखते हैं, total heat content in a system, total heat content in a system. और T into S ये क्या है, वो amount of energy है जो free, which is unavailable इसके लिए work में convert होने के लिए, क्योंकि entropy का physical significance हम पढ़ चुके हैं कि it is a measure of unavailable energy. ठीक है, तो ये हमें नहीं मिलने वाला, ये unavailable energy है. ठीक है, तो हमने कितना किसी सिस्टम को हीट दिया, दैट इज टोटल हीट कंटेंट, उसमें से हमने माइनस कर दिया अनअवेलेबल, तो क्या बच गया, अवेलेबल मतलब दैट इज फ्री, फ्री मतलब दैट इज अवेलेबल फॉर वर्क. ठीक है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज गिव्स फ्री एनर्जी. इट्स नॉट फ्री मींस कि बाय वन गेट वन फ्री. ठीक है, फ्री का मतलब दैट इज अवेलेबल, इसका मतलब आर यू फ्री, क्या आप खाली हैं, आर यू अवेलेबल. ठीक है, तो फ्री का मतलब यहाँ में इसलिए है क्योंकि ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी को बताता है जो अवेलेबल है किसके लिए, वर्क डन. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशन हमने पढ़ा था कि 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, क्लियर.
तो इसलिए यहाँ पे क्या आता है कि G इक्वल टू एच माइनस टी एस, मतलब कि फ्री एनर्जी, ठीक है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें अवेलेबल है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए नोट्स के लिए आपको मैं ऐसे लिख देता हूँ, फिर तो सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स पता है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स dQ इक्वल टू d प्लस vdv रख दिया, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, इसी टर्म को उन्होंने गिब्स ने एक नाम दे दिया कि दिस टर्म e प्लस vv माइनस ts, ये जो टर्म आ रहा है इसी को उन्होंने कहा कि ये गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है, जी से लिख दिया और e प्लस vv इन्होंने एंथैल्पी, ठीक है ना, क्लियर। तो आप जस्ट इसको ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं नोट्स के लिए, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। सो नो डाउट मैंने पहले भी आपको बोला है कि जो भी थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। सो सीधा सीधा इट इज ए स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी में भी ऐसे लिखा था, स्टेट फंक्शन मींस इट्स वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स एंड dg विल बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब ये होगा कि अगर मान लीजिए कि ये किसी दो फंक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर मान लें, तो यहाँ में इसको हम लिखते हैं डेल x डेल n इक्वल टू, इसको मैं बोलते हैं आयलर्स थ्योरम, कि आगे हम इसको यूज करेंगे डेल m। सो स्टेट फंक्शन जो होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, या एग्जैक्ट डिफरेंशियल है अगर कोई फंक्शन तो वो स्टेट फंक्शन आएगा, पाथ फंक्शन जो होते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होते। It is an extensive property, means amount of substance taken depends on the mass, ठीक है, मतलब system present in the, ठीक है, मतलब amount of the molecules or atoms present in the system. Extensive मतलब external, that can be additive, जिसको हम add कर सकते हैं. The physical significance of Gibbs free energy is that decrease in Gibbs free energy is equal to useful work that can be obtained from a reversible process taking place at constant temperature and pressure. So this free energy can be defined as the maximum amount of work that can be obtained from a closed system. ठीक है? So this free energy वो होता है जो हमें maximum amount of work देगा. It is visualized as the amount of useful energy present in a thermodynamic system that can be utilized to perform some वर्क। तो जो मैंने पीछे आपको बोला इसीलिए इसको फ्री एनर्जी वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि H माइनस डी एस टोटल एंथैल्पी में से टोटल हीट में से हमने माइनस कर दिया जो हमको नहीं मिलने वाला, तो कितना हमें मिलने वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं यूजफुल या अवेलेबल, और वही हम उसको वर्क में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो इन नटशेल बोलिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेट फंक्शन है, मतलब डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, मतलब इसकी वैल्यू डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम, जितना ज्यादा हम अमाउंट लेंगे उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं, एडिटिव होते हैं, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, अमाउंट ऑफ द यूजफुल एनर्जी दैट प्रेजेंट इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम दैट इज अवेलेबल फॉर वर्क, ठीक है। चलिए वेरिएशन ऑफ जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बीएससी वालों के लिए, ठीक है, कि अगर आप बीएससी केमिस्ट्री के हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनका वेरिएशन कैसे निकालेंगे टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम पता है तो G इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, H माइनस टी एस, क्लियर, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dG इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलिए लिखते जाइए डी एच माइनस TdS माइनस SdT, लिख सकते हैं। नाउ अगेन H इज डिफाइंड एज E प्लस PV, इसको भी अगर हम यहां से लिख दें तो TH इक्वल टू बोलिए क्या लिखेंगे, DE प्लस PdV प्लस VdP, क्लियर, ठीक है। और D प्लस PdV इसको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से dQ, ठीक है, देखेंगे तो dH की जगह पे क्या आ जाएगा, dQ प्लस VdP, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में dQ की जगह पे क्या आता है, TdS, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके यहाँ पे लिख दें
तो डी एच की जगह पे क्या आ जाएगा, बोले डी एच की जगह पे क्या आएगा, तो पहले क्या लिखा डी ए प्लस बी डी बी की जगह डी क्यू लिखा, डी क्यू की जगह पे क्या लिखा टी डी एस, तो यहाँ क्या लिख देंगे टी डी एस प्लस ये वाला टर्म जो बचा रहेगा वी डी पी, यहाँ में आ गया वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, टी डी एस से टी डी एस कैंसिल हो गया, तो ये हमें मिल गया बी डी पी माइनस एस डी टी। इसको हमें एज ए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे हम इसको कई बार यूज करेंगे, तो मैक्सिमम निकालेंगे और ठीक है। देखिए अब जो गैस फ्री एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दो फंक्शन, एक प्रेशर और एक टेम्परेचर, ठीक है। तो चलिए एक सेकेंड है ना, ये टेक्निकली ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पे कोई भी आप एक केस ले लीजिए, पहले मान लेते हैं केस वन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर हम कांस्टेंट करेंगे तो डी टी की वैल्यू क्या हो गया जीरो, क्लियर, डी टी जीरो होने से ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा डेल, बोलिए डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू जी, ठीक है। तो फर्स्ट केस हमने मान लिया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो dT की वैल्यू जीरो हो गया, dT जीरो हो गया तो वेरिएशन ऑफ गैस फ्री एनर्जी विद प्रेशर, सो वेरिएशन ऑफ गैस फ्री एनर्जी विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स में जो नीचे लिखा जाता है उसको हम पढ़ते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हमें क्या बताएगा वॉल्यूम, ठीक है। चलिए अब आप रिवर्स कर दीजिए, सो केस टू ले लीजिए सिमिलरली, सो एट कांस्टेंट बोले प्रेशर लेंगे तो डीपी की वैल्यू क्या हो जाएगा अब जीरो, तो डीपी जीरो होने का मतलब अब ये टर्म खत्म होगा, ठीक है। तो यहां से क्या लिखेंगे, चलिए मैं यहां लिख देता हूँ डीजी इक्वल टू माइनस एस डी टी और डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू माइनस एस, ठीक है बताएगा। तो सिंपली गिव्स फ्री एनर्जी जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग ऑन डिफरेंशिएशन वी कैन राइट डीजी इक्वल टू डी एच माइनस, फर्स्ट को कांस्टेंट किया सेकंड को करेंगे टी डी एस माइनस एस डी टी। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी वी नो दैट एंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पी इनटू वी, तो डी एच इक्वल टू डी प्लस पी डी बी प्लस वी डी बी, और फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी प्लस पी डी बी की जगह पे क्या आएगा डी क्यू, और सेकेंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू की जगह पे क्या आएगा टी डी एस, दोनों को मिला दिया कंबाइन, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, टी डी एस से टी डी एस कैंसिल हो गया, तो फाइनली एक हमें फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी, ठीक है। अभी दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा जी इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो फर्स्ट हमने मान लिया एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, आपकी इच्छा किसी को भी पहले लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम। तो टी डी टी क्या हो गया जीरो, डी टी जीरो होने का मतलब ये पूरा टर्म वैनिश हो गया, बच गया डी जी इक्वल टू बी डी पी, इसको इधर लेके जाइए डी पी को, तो हम क्या लिखेंगे डेल जे बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू बी, ठीक है। सिमिलरली एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्रेशर कॉन्स्टेंट किया तो डी पी की वैल्यू जीरो हो गया, तो डेल जे इक्वल टू ये मतलब ये टर्म अब यहाँ में जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस एस डी टी, ये रख दिया डेल जे बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू माइनस एस, ठीक है सिंपल है, आप तो नहीं बोलेगा, ठीक है। तो वेरिएशन या तो आपको एक्सप्रेशन लिख के देगा या फिर आपको थ्योरी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये था जो अभी डिस्कस किया, सो एच इक्वल टू एच जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, डिफरेंशिएशन किया आपने इक्वेशन नंबर वन, डिफिनेशन ऑफ एंथैल्पी किया लिख दीजिए, सेकेंड ला फर्स्ट ला दोनों को कंबाइन कर दीजिए, यहाँ से हमें मिल जाएगा टी डी एस इक्वल टू डी ए प्लस बी डी पी, इसकी वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो फाइनली ये आ गया डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी।
ठीक है, बताएगा। चलिए अब यहां से भाई फर्स्ट केस ले लिया, तो कांस्टेंट प्रेशर पी कांस्टेंट कर दिया तो डीपी जीरो हो गया, तो डेल जी की जगह पे क्या आ गया माइनस एस डी टी डेल जे एट कांस्टेंट डेल टी डेल जे मतलब वेरिएशन ऑफ गेस फ्री एनर्जी विद विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये किसके बराबर आया डिक्रीज इन एंट्रोपी। सिमिलरली टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो डी टी जीरो हो गया, तो डी जी इक्वल टू बी डी पी और डेल जे बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, ये जो टी लिखते हैं इसको बोलते हैं एट कॉन्स्टेंट टी, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया इक्वल टू वालो, ये हमें क्या बता रहा है देखिए वेरिएशन ऑफ गैस फ्री एनर्जी विद विद प्रेशर बट किस कंडीशन पे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमें क्या बताएगा वॉल्यूम बताएगा, ठीक है क्लियर। चलिए अब जो केस टू में यहां से निकाला है डेल जे बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू वी, इसी चीज को यहाँ में इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए यहां से हम लिख सकते हैं डेल जे बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू वी, इसी को हम अगर इंटीग्रेट कर दें जी वन टू जी टू डी जी इक्वल टू, ठीक है तो यहां से क्या लिखेंगे वी डी पी, क्योंकि टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट है तो एक प्रेशर मान लीजिए लिया पी वन टू पी टू। सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन तो हमने पढ़ा है, आइडियल गैस इक्वेशन में हम क्या लिखते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी, यहां से अगर हम वी निकाले तो क्या लिख सकते हैं एन आर टी बाई पी। अब इस वी की वैल्यू को इसमें डाल दीजिए, फिर चलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे आप, यहां से क्या मिलेगा ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया, तो यहां से मिल जाएगा अपर लिमिट मतलब जी टू माइनस जी वन दैट इज स्टेट फंक्शन डेल्टा जी, क्लियर। फिर यहां में कर दीजिए तो ये क्या था पी वन से पी टू, ठीक है। बी की जगह पे हमने क्या लिख दिया एन आर टी और ये हो गया डी पी बाई बाई पी, ठीक है। एन नंबर ऑफ मोल्स है तो बाहर आ जाएगा, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, टेम्परेचर भी हमारा क्या है कांस्टेंट है ये भी बाहर आ जाएगा, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं देखिए एन आर टी, ठीक है ये हो गया पी वन पी टू डी पी बाई पी और ये हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वन बाई एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एल एन एक्स, इसमें पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो फाइनली हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू एन आर डी बोलिए एल एन अपर लिमिट डिवाइडेड बाई लोअर लिमिट, ये एक फॉर्मूला है जहां से हमें न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। बट हमें सॉल्व करना है तो हम एल एन की जगह पे क्या ले सकते हैं 2.303 एन आर डी लॉग पी टू बाई पी वन, तो ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे जब हमें प्रेशर दिया रहेगा कि 1 एटमॉस्फेयर से 10 एटमॉस्फेयर 10 से 100 एटमॉस्फेयर व्हाट एवर वैल्यू दिया रहेगा आपको कि किस प्रेशर से कितना प्रेशर पे जा रहा है मतलब पी टू पी वन। चलिए सिंस टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है मतलब एट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो आप बॉयल्स लॉ दिमाग में आता है पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं पी टू बाई पी वन इक्वल टू वी वन बाई वी टू। अब इसकी वैल्यू को यहां में रख दीजिए फिर से एक फॉर्मूला मिलेगा जिसको हम कहां यूज करेंगे जब वॉल्यूम दिया रहेगा 2.303 एन आर टी लॉग पी वन बाई पी टू, याद रखिए पी टू बाई पी वन है बट वॉल्यूम में आप रखेंगे तो पी वन बाई पी टू आएगा क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या होते हैं दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है बताएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जहां से हमें न्यूमेरिकल मिलते हैं, ठीक है वो नेट गेट में भी आपको यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो जो सेकंड कंडीशन निकाला था डेल जी बाई डेल पी वेरिएशन ऑफ गैस फ्री एनर्जी विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हमें क्या दिया था वॉल्यूम और देन उसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में करके हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया। तो जस्ट जैसे वर्क डन में भी इसी तरह का सिमिलरली मैथमेटिकल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है हो जाएगा।
रहेगा। तो ये आपका आ गया, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो d1 d2 dg d1 p2 b dp no problem। आइडियल गैस इक्वेशन pb इक्वल टू nRT से लिख दिया, इसलिए लिख दिया क्योंकि ये वॉल्यूम जो होता है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे nRT d1 p2 dp by p और 1 by p 1 by x dx इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है ln x, यहां से आ गया ln अपर लिमिट p2 डिवाइडेड बाई p1 और ln को जगह पे log में चेंज करेंगे तो 2.303 आएगा। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब हमें प्रेशर दिया रहेगा p1 p2, ठीक है, चेंज टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो p1 इक्वल टू p2 v2 या यू में से बॉयल्स ला तो p2 by p1 इक्वल टू v1 by v2। देखिए यहाँ में p2 लिखा है तो यहाँ में v1 आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं उनमें उल्टा होता है, मतलब 1 आएगा तो 2 आएगा, 2 आएगा तो 1 आएगा। तो रख दीजिए ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब हमें वॉल्यूम दिया रहेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपसे आप तो आपसे थ्योरी में वेरिएशन पूछेगा या फिर न्यूमेरिकल्स पूछेंगे, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये आ गया एग्जाम्पल 1, so calculate the change in free energy which occurs when 2 moles of a perfect gas expands reversible and isothermally, ठीक है, at 37 degree celsius from an initial volume of 50 liters to 100 liters, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। अब आपको ये देखना है कि जो दिया है वो रख दीजिए, हमने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा 2.303 nRT log v1 by v2। ये हमने क्यों लिया है, क्योंकि आपको यहाँ लीटर दिखाई दे रहा है, अगर ये आपको प्रेशर दिया होता तो हम p2 by v1 लेते। टेम्परेचर इज गिवन बट डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कर लीजिए। कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, n की जगह 2 हो गया r, ठीक है। तो अगर आप केल्विन में निकालना चाहते हैं तो 1. जूल में निकालना चाहते हैं तो 8.314, अगर कैलोरी में निकालना चाहते हैं डिग्री पर मोल तो 1.987, ठीक है। तो बी वन बी टू हमें दिया रहेगा, बी वन बी टू दिया रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स दिया है। अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे तो एन की जगह पे क्या आ जाएगा, वेट बाई मोलर मास। सपोज आपको 2 मोल्स लिखा है बट इसी क्वेश्चन को अगर हम बदल दें, यहाँ में आपको दे देंगे 16 ग्राम ऑक्सीजन है, नो प्रॉब्लम, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दीजिए, ठीक है, हो जाएगा, रख के सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो 2.303 n की जगह पे 2, r की जगह पे अगर आप जूल में लेते हैं तो 8.314, केल्विन में लेंगे तो 1.987, टेम्परेचर कितना आएगा, तो इसको केल्विन में चेंज कर दीजिए, 273 से ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 310 केल्विन। यहाँ रख दीजिए log v1 by v2, v1 कितना दिया है 50, v2 कितना दिया 100, सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा आंसर बता दीजिए, ठीक है, आ जाएगा। तो आपने सॉल्व कर लिया तो ये आ गया, तो वॉल्यूम हमें कितना दिया है, v1 मान लिया 50, v2 हो गया 100, नंबर ऑफ मोल्स हो गया 2, टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन, आर की वैल्यू मैंने यहाँ केल्विन लिया है, अगर आप चाहें तो जूल में लेंगे तो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, फॉर्मूले में रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ये मिल गया आपको कैलोरी, ठीक है। तो देन प्रोसीजर को समझना है, बाकी तो आपको रख के सॉल्व करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आ जाएगा, चलिए हो जाएगा। ये बता दीजिए, देखिए नेट दिसंबर CSIR नेट दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है, ए रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल मतलब ये हम कहां रखेंगे, n की वैल्यू फ्रॉम 1 लीटर मतलब ये कहां में रखेंगे, v1 टू 4 लीटर मतलब v2 अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। देखिए यहां आपको केल्विन में दिया है, ये कैपिटल K होगा, ऑलरेडी केल्विन दिया है मतलब टेम्परेचर भी हमें दिया है। Calculate the delta G this for this process. ये आपको फुल सॉल्व भी नहीं करना है, बस फॉर्मूले में रख देना है, नेट का क्वेश्चन है, ठीक है, तो रख दीजिए।
फिर यहाँ हमें ln वाला टर्म यूज किया है, इसलिए यहाँ में हम ln वाला टर्म लेंगे, तो एन आर डी ln बोले क्या लिखेंगे, v1 by v2, n की जगह पे आ गया 1, r की जगह पे r ही रखना है, सो सिंपल। टेम्परेचर हो गया 300, ln v1 कितना हो गया 1 by 4, 1 by 4 को हम क्या ले सकते हैं 2 के पावर 2। इसको जब यहाँ से स्प्लिट करेंगे आप तो क्या लिखेंगे बोले, ln 1 माइनस ln 2 के पावर 2, ln 1 ये होता है 0 और 2 log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, मतलब 0 माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.6020, ठीक है, मतलब ये माइनस आएगा यहाँ से, ये माइनस आएगा, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन आपको 50-50 हो गया, ठीक है, आ जाएगा, सॉल्व कर दीजिए। ओ ये पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, इसमें तो आपको ln 2 लिखा हुआ है ना, ये पूरा सॉल्व नहीं करना है, ये 2 बाहर आ जाएगा, ln 2 ये रखने की जरूरत नहीं है, सॉरी ये ln 2 हो गया, ठीक है ना, तो सीधा सीधा 2 इंटू कितना हो गया 600 विद नेगेटिव साइन r ln 2, करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है ना, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया था, बट आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस सिर्फ ln में रखना है, ठीक है, रहेगा, देखिए सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी हमें मिल जाता है। तो वॉल्यूम दिया हुआ था 1 लीटर, वी टू दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, इसी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेगा तो नंबर ऑफ मोल्स आपको नहीं देगा, आपको कुछ नाम दे देगा, 32 ग्राम अमोनिया है, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन है, कुछ भी दे देगा, 28 ग्राम या 2.8 ग्राम, ठीक है, तो इस तरह से आपको दे देगा, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने होंगे, ठीक है, तो सॉल्व कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट, ये इसका आंसर हो गया, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या बताता है, ये डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिवर्सिबल प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी मतलब माइनस डेल्टा जी हमें क्या बताता है, यूजफुल वर्क, ठीक है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आप पीछे वीडियो देखिए तो वहां पे हम जनरली एक फॉर्मूला पढ़ते हैं माइनस एन एफ ई सेल, और इसी को जब स्टैंडर्ड स्टेट में लेते हैं तो यहाँ भी हम स्टैंडर्ड स्टेट लगा लेते हैं। तो ये जो माइनस क्यों आता है, क्योंकि ये माइनस डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी, और ये जो एन एफ ई जीरो सेल आता है इसको बोलते हैं वही इलेक्ट्रिकल वर्क। तो जो हमें वर्क मिलेगा किसी सेल से वो किसके बराबर होगा, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी, तो इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ में आ जाता है, ठीक है। सो विद दिस रिस्पेक्ट गिव्स फ्री एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी विच इज आइसोथर्मली अवेलेबल फॉर कन्वर्टिंग इन टू यूजफुल वर्क इज नोन एज गिव्स फ्री एनर्जी। अब आपको यहाँ में है कि फ्री क्यों का क्लियर है, एनर्जी तो ये हमें क्या बताता है, एक्चुअली फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी विच इज अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लाइन ये आपको कहता था कि 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज पॉसिबल, बट किसी इंजन की एफिशिएंसी 100% में नहीं मिलती है, उसका रीजन आया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस, अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ में वही है कि जो हमें अवेलेबल है यूजफुल वर्क में उसी को हम बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। तो बेसिकली गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी दैट इज अवेलेबल फॉर कन्वर्टिंग इनटू यूजफुल वर्क, बट एक कंडीशन है, किस कंडीशन में, आइसोथर्मली, ठीक है, क्लियर। तो ये गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है ना। सिमिलरली हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी ए, तो सेकेंड आता है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, सो इट इज डिफाइंड एज ए इक्वल टू ई माइनस ई एस, देखिए हम ई है, ई मतलब इंटरनल एनर्जी, फॉर ए गिवन प्रोसेस डेल ए एट कॉन्स्टेंट बी वॉल्यूम टेम्परेचर इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी में हम क्या लिखते हैं, डेल्टा जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, इन टर्म्स ऑफ
एलमोर फ्री एनर्जी लिखते हैं एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ऑब्वियसली ये भी स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। चलिए आइसोथर्मल चेंज के लिए निकाल दीजिए। तो जैसे हम केस फ्री एनर्जी का निकालते हैं तो ए इज डिफाइंड एज ई माइनस डी एस। इनिशियल स्टेट में मान लीजिए इनिशियल स्टेट, इसको हम क्या लिखेंगे ए वन, इसको हम क्या लिखेंगे ई वन माइनस ई एस वन। फाइनल स्टेट इसको हम क्या लिखेंगे ए टू इक्वल टू ई टू माइनस टी एस वन। चेंज निकाल दीजिए तो क्या लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा हम तो इसको रख दीजिए ठीक है माइनस, बस आंख बंद करके लिखते जाइए, कहीं कुछ आपको सोचना नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। E2 माइनस E1 ये आ गया माइनस T S2 माइनस S1। ये भी स्टेट फंक्शन होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं डेल्टा E ठीक है माइनस S2 माइनस S1 भी क्या हो गया स्टेट फंक्शन डेल्टा S। ये मिल गया हमें डेल्टा A एट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस और एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ठीक है क्लियर। तो ये चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये डेल्टा जी के लिए अगर हम निकालते हैं गैस फ्री एनर्जी का निकालते हैं तो सेम चीज बस अंतर क्या आता है यहाँ में डेल्टा एच आता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ठीक है आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आ गया आपको ये सो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी ए की जगह पे ई माइनस टी एस। इनिशियल स्टेट ले लिया वन वन वन, फाइनल ले लिया टू टू टू, चेंज निकाला लिख दिया डेल्टा ई माइनस टी इंटू डेल्टा एस ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पे रिलेशन बिटवीन गैस फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, जी को हम क्या डिफाइन करते हैं एच माइनस डी एस और एच की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ई प्लस पी वी माइनस टी एस। चलिए इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर ले तो नो प्रॉब्लम लिख सकते हैं ठीक है। और E माइनस टी एस की जगह पे क्या जाएगा A आएगा प्लस पी वी, ये क्या मिल जाएगा G। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एंड एंड गिब्स फ्री एनर्जी ठीक है। इसी को अगर हम चेंज के टर्म में लिखें तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा A प्लस अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो P इंटू डेल्टा V ठीक है। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है आपको P इंटू डेल्टा V टर्म का या पी वी मतलब जिसको हम बोलते हैं वर्क डन ठीक है ना। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है वॉल्यूम कांस्टेंट रख दें अगर हम तो ये टर्म क्या होंगे बेसिकली दोनों एक ही हो जाएंगे ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको हो सकता है ठीक है। चलिए जिस तरह से फ्री एनर्जी का निकाला था उसी तरह यहाँ से हम इसका भी निकाल सकते हैं नो प्रॉब्लम। ए इक्वल टू ई माइनस टी एस, फिर डी ए लिखेंगे आप तो डी ई माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी नो प्रॉब्लम। और फर्स्ट एंड सेकेंड ला कंबाइन करेंगे तो टी डी एस इक्वल टू डी प्लस पी डी वी, अब तो आप इसको याद ही कर दीजिए ठीक है। तो क्योंकि फर्स्ट ला से हम ये लिखते हैं डी ई प्लस पी डी वी और सेकेंड ला में क्या लिखते हैं डी क्यू इक्वल टू टी डी एस, मतलब ये दोनों बराबर हो गया तो यहाँ लिख दिया। अब इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा ये मिल जाएगा। टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे तो डी डी जीरो हो जाएगा मतलब ये टर्म खत्म हो गया। तो डेल ए इक्वल डी ए इक्वल टू माइनस पी डी बी और डेल ए बाई डेल बी एट कांस्टेंट डी इक्वल टू माइनस डी, एक्चुअली आपको लिखना चाहिए था मैं यहाँ लिख दिया चलिए ठीक है। वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट कर दीजिए तो ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो नो प्रॉब्लम। तो डी ए इक्वल टू माइनस एस डी टी, सो ये हमें क्या बता रहा है वेरिएशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी विद विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसके बराबर आएगा माइनस एस मतलब डिक्रीज इन एंट्रोपी। ये टर्म हमें क्या बता रहा है वेरिएशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये किसके बराबर है माइनस पी ठीक है। हाँ यहां से फिर वही जैसे पीछे मैंने निकाला था डेल्टा जी वाला, आप यहां से भी इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिख सकते हैं ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। तो ये ऑलरेडी आरजीयू एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है
ये आरटीयू एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है मेजर वालों के लिए। चलिए गिव्स फ्री एनर्जी नो प्रॉब्लम डिफाइन कर दीजिए, D इक्वल टू एच माइनस टी एस, एल्मोर फ्री एनर्जी डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। सेकेंड क्या बताता है, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रिवर्सिबल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम ए पार्टिकुलर सिस्टम, ये क्या बताता है, यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेंड बाय ए क्लोज सिस्टम। थर्ड, इट इज कैलकुलेटेड अंडर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, इस फ्री एनर्जी में हम क्या लेते हैं, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, इसी को पीछे मैंने ऐसे लिखा था, डेल जे एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टेम्परेचर इज लेस देन जीरो, ये हमें स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया बताता है, किस कंडीशन पे, कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये हमें क्या बताता है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है ना, इसलिए मैंने पीछे इसको ऐसे लिखा था, डेल ए एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथमेटिकली नो प्रॉब्लम। इट इज मोर फ्रीक्वेंटली यूज सिंस इट कंसिडर्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर कंडीशन को ये कंसिडर करता है, इसलिए हम ज्यादा यूज करते हैं फ्री एनर्जी को। एल्मोर्ट इज नॉट सो मच यूज, ठीक है, सिंस इट कंसिडर्ड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, क्योंकि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लेते हैं तो जनरली वर्क डन बाय द सिस्टम जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस, दोनों में रिलेशन, तो रिलेशन भी पीछे निकाला था, तो रिलेशन में क्या आता है कि गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल टू एल्मोर्ट फ्री एनर्जी प्लस पी बी, तो रिलेशन आएगा, तो दोनों को डिफाइन करके आप रिलेशन निकाल दीजिए, दोनों में डिफरेंस पूछेगा तो टेबल ऑफ फॉर्म के देख दीजिए, ठीक है। इसलिए मैंने आपको नोट्स के लिए क्वेश्चन के क्या आंसर का क्या क्वेश्चन, ठीक है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर देना है आपको, वो यहाँ पे मैंने दे दिया है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपको गिव्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, कि गिव्स फ्री एनर्जी होता क्या है, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसको फ्री एनर्जी क्यों बोलते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इट्स वेरिएशन विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। एल्मोर्ट फ्री एनर्जी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, उसको भी कैसे डिफाइन करेंगे, उसका भी वेरिएशन क्या है, और दोनों में रिलेशन भी हमने देखा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए, कमेंट करके कि आपको वीडियो समझ में आया या नहीं आया, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू आस्क मी नो प्रॉब्लम, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके पास टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे आप क्वेश्चन एनालाइज कर सकते हैं, नोट्स आपको चाहिए पीडीएफ तो आप नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद हम गिव्स एल्मोर्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, तो वहां में हम डेल्टा जी वाले जो वेरिएशन है तो उसको हम यूज करेंगे, मैक्सवेल रिलेशंस डिराइव करेंगे, तो वहां में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए अगर आप ये आज का टॉपिक, आज का सेशन आप समझ जाते हैं तो आगे आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ते जाइए, बाकी हम आपको, ठीक है ना। So, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको अपकमिंग वीडियोज इंटरेस्टिंग, ठीक है, शॉर्टकट इस तरह केमिस्ट्री का मिलता रहेगा, क्योंकि केमिस्ट्री इज फन, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको केमिस्ट्री से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री से टफ कोई सब्जेक्ट नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन मेंटर टीचर एंड योर एफर्ट्स, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा, इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट डिफॉल्ट, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गिव्स एल्मोर्ट इक्वेशंस पढ़ेंगे, मैक्सवेल रिलेशंस पढ़ेंगे, शॉर्टकट देखेंगे मैक्सवेल रिलेशंस का, बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप नेट एग्जाम देंगे, चाहे आप गेट का एग्जाम दीजिए, चाहे आप आईटी जेम का एग्जाम दीजिए, या फिर अपना फाइनल एग्जाम दीजिए बीएससी का, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।